भागलपुर नगर निगम के द्वारा महापौर सीमा साह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी सहित कई निजी कर्मचारियों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके खातों में भुगतान किए जाने और भागलपुर नगर निगम के जलकल शाखा के द्वारा पिछले 26 महीनों से महापौर के पति टुनटुन साह के 5 टैंकर और ट्रैक्टर के किराए के रूप में 45,50,000 रुपये दिए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर नगर निगम की पूर्व उप महापौर और वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच कराने को लेकर नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव से मुलाकात की और जांच को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान नगर आयुक्त ने पूर्व उप महापौर की बातों को गंभीरता पूर्वक सुना और पूरे प्रकरण पर जांच कराए जाने की बात कही। देखिए, अभी आए दिन प्रत्येक दिन नगर निगम के तरफ से कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है और हम जो ये लगातार तीसरी बार हम जीतते हैं तो पहली बार ऐसा दिख रहा है कि लगातार कोई ना कोई मामला आ रहा है, तो इसको लेकर मैं नगर आयुक्त से मिलने के लिए आई थी। मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस का मामला हो, चाहे वो अभी बिना कार्य किए नगर निगम में अवैध रूप से भुगतान का मामला हो, इस सारे मामलों की विस्तृत पूरी जाँच कराई जाए, निगरानी को इसकी जाँच सौंपी जाए। मेरे स्तर से जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसको मैंने सीरियसली संज्ञान लिया है और मैं उसकी जानकारी सच्चाई क्या है उसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। सच्चाई कहां तक उसे पूर्ण रूप में अवगत होने के बाद निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसको पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी। रेहान जो है यहां स्वास्थ्य प्रभारी जो है, ये रेहान की अपनी आवाज़ हो सकती है, वो निगम प्रशासन की नहीं हो सकती है। निगम प्रशासन एक संस्था है, संस्था में सभी तंत्र से चलता है, सिस्टम से चलता है। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर नगर निगम में हाल में जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उस पर उनकी नजर है, जल्द ही सक्षम विभाग से जांच कराकर दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की बात कही। एक तरह की शिकायत के लिए उचित फोरम है, जिला लोक शिकायत निवारण का जो पूरा एक कानून बना है और जिला लोक शिकायत निवारण जो पदाधिकारी होते हैं, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, तो उसमें ग्रीवांस का प्रॉपर रिड्रेसल होना है और जो भी इसमें जांच करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होनी है, तो उस हिसाब से जो है आगे हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नहीं, घोटाला देखिए एक तो शब्द है, पहले तो किसी कोई भी अगर किसी तरह का आरोप आया है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, ठीक है, और हर एक चीज़ के लिए एक उचित फोरम है, उस फोरम से जांच हो जाए और उसमें अगर फिर आता है कि कहीं किसी तरह का गबन हुआ है तब उसके बाद फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई हो जानी है, तो वो हम लोग सुनिश्चित कराएँ। भागलपुर के बिहपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर बाजार में जमीन विवाद को लेकर दुकान एवं घर में आग लगाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित दुकान संचालक दीपक शाह ने बताया कि गांव के ही 3 लोगों ने जमीन कब्जा को लेकर आग लगाकर भाग गए, जिससे करीब 5,00,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष के ब्रजेश चौरसिया ने बताया कि दुकान में आग किसी दूसरे ने नहीं लगाया बल्कि दीपक खुद दुकान में आग लगवाकर दूसरे को फंसाना चाहता है, क्योंकि जिस जमीन पर दीपक दुकान चला रहा है उक्त जमीन को दीपक के भाई ने मुझे व अमलेश चौरसिया को बेच दिया है। जमीन को दीपक खाली करना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने दुकान में आग लगाकर मामले को विवादास्पद बनाकर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा बरकरार रखना चाहता है। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए बिहपुर थाने में आवेदन दिया। वहीं थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, इस दौरान आगजनी का मामला दर्ज कराने थाने पहुंची। दीपक शाह की पत्नी और उसकी बेटी ने पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया है। मामला हुआ कि हम लोग आए आवेदन देने के लिए, उसके बाद हम बोल रहे थे तो हमारा बेटी भी बोल रहा था, बेटी बोला कि तुमको क्या अधिकार से तुम बोल रहा है, गाली अधिकार नहीं है बोलने के लिए, जनानी घर में रहेगा तो वैल्यू किसको देता है, मरद को, मरद देता है, मरद जाएगा कमाने के लिए कि घर में बैठा हुआ रहेगा। माँ बताइए क्या मामला हुआ था, जो थाना है मामला क्या हुआ था? मामला हुआ की आग लगा था, ये जबरदस्ती गया बोला कि खोलने के लिए ढड्डा उड्डा, हम लोग बोले कि हम 50 साल से रह रहे हैं हम नहीं खोलेंगे, उसके बाद बोला 50 साल खोलोगे हम जबरदस्ती करेंगे, तू जबरदस्ती
मस्ती करने लगा। तो हम लोग गए रोकने के लिए गए, तो पेट्रोल उनके छीट के बस आगे लगा के हमको धक्का दे के भाग गया, भेज दिया कि जाओ थाना, बोला कि जाओ थाना, खुद वीडियो बना के चले आया, अपना वीडियो बना के चले आया थाना कि इससे पहले हम चले जाएंगे थाना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा भाजपा को यूपी विधानसभा चुनाव व मणिपुर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अल्टीमेटम दिए जाने और दोनों जगहों पर गठबंधन नहीं होने पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहे जाने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि यह दोनों पार्टियों का अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव के बाद ही जदयू और मुख्यमंत्री का अपमान किया जा रहा है और जिस तरह से आरा में पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया और बैनर पोस्टर में भी उनका नाम नहीं दिया गया, वह मुख्यमंत्री ही नहीं पूरे बिहार का अपमान है। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने मुख्यमंत्री पर डोरे डालते हुए महागठबंधन में शामिल होने का फिर से निमंत्रण भी दे डाला है। भाई वो तो उनसे पूछिए, लेकिन हम तो इस जब से सरकार बनी है तब से हम माननीय मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, वो बहुत ही तनाव में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बोलना लाजिम है। भैया आखिर आप साथ जब हैं तो फिर दोनों मिलजुल के चलिएगा ना। अभी आप आरा में जो ब्रिज का आप इनॉग्रेशन करते हैं उसमें आप माननीय मुख्यमंत्री का फोटो भी नहीं है, बुलाते भी नहीं है, आर के सिंह मंत्री महोदय ने किया, ये बिल्कुल उनका गलत है, क्योंकि बिहार की जनता सरकार बनाई है बिहार में और आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार और बिहार की सरकार में कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है। लेकिन हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपका सम्मान नहीं करना, बिहार की जनता का अपमान करना है, चूँकि मुख्यमंत्री आप हैं जब तक आप कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए आपको चिंतन करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान नहीं दे रहा है, तो सम्मान आपको नहीं दे रहा है मतलब बिहार की जनता को नहीं दे रहा है, इसलिए आपको सोचना चाहिए और आइए महागठबंधन में, फिर से आप पहले भी रह चुके हैं, आइए और महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। जगदीशपुर अंचल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का नदारद रहना उन्हें काफी महंगा पड़ गया। सरकारी बाबू अपने कार्यालय आने एवं जाने में अपनी मनमर्जी की करते हैं और पब्लिक की नहीं सुनते, लेकिन जब वरीय पदाधिकारी आ जाते हैं तो उनकी घिघी बंध जाती है। ऐसा ही बुधवार को हुआ जब SDO आशीष नारायण औचक निरीक्षणकर ने प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें किरानियों की तमाम कुर्सियां खाली ही खाली नजर आई, जिसे देख SDO साहब तिलमिला गए और सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन बंद करने का आदेश दिया तथा उन्हें स्पष्टीकरण भी पूछा। प्रखंड कार्यालय में अनुपस्थित कर्मचारियों में से प्रधान लिपिक सब्बीर आलम, प्रकाश चंद्र पाठक, सुधीर कुमार मंडल, मोहम्मद सरवर आलम, रिचा कुमारी, विनोद कुमार, शशि कुमार, सुमित कुमार राय थे। वहीं अंचल कार्यालय में अनुपस्थित कर्मचारियों में दिलीप कुमार, रवि प्रकाश शाही, राधेनाथ सिंह, सुधीर कुमार, संतोष रावत थे। अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का वेतन तत्काल स्थगित रहेगा। जगदीशपुर बाईपास TOP थाना पुलिस की घनघोर लापरवाही और पैसे लेकर नो एंट्री में ट्रक के चलवाने के कारण भागलपुर हजडिया राजमार्ग पर एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि भागलपुर के बाईपास से लेकर जगदीशपुर के सनहौला मोड़ तक वन वे है, जहां बाईपास की ओर से ट्रक का आना निषिद्ध है। विक्रमशिला पुल होकर आने वाली तमाम ट्रक लोदीपुर से होकर सनहौला मोड़ के पास निकलती है, लेकिन इस नो एंट्री के पालन नहीं होने के कारण टुट्टा पुल के समीप ऑटो और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। ऑटो रजौन से भागलपुर की ओर जा रही थी, लेकिन जख बाबा के पास आमने सामने की जोरदार टक्कर में केलापुर कजरेली निवासी सियाराम पासवान के 25 वर्षीय पुत्र रुपेश पासवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं BRC जगदीशपुर में कार्यरत राहुल कुमार घायल हो गए और उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। सूचना पाकर जगदीशपुर प्रखंड के शिक्षकों ने उन्हें स्थानीय चिकित्सकों से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई, उसके बाद उसे भागलपुर भेज दिया गया। वहीं सहायिका मुन्नी देवी भी घायल हो गई, अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा महिला उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया है और इसके तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, बावजूद इसके भागलपुर जिले में महिला उत्पीड़न में कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला जिले के इसाकचक थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन के किनारे रहने वाली प्रेमलता का है, जिसने दहेज को लेकर अपने ही पति के द्वारा मारपीट किए जाने और प्रताड़ित किए जाने का मामला महिला थाने में दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसे उसका पति पिंटू शर्मा दहेज की मांग को लेकर बहुत पीटता है,
कभी सर फोड़ देता है तो कभी लाद घूसे चलाता है। महिला को 3 बेटा है और पति कारपेंटर है। लोगों के बहकावे में आकर पत्नी के साथ मारपीट करता है। लगातार पति द्वारा प्रताड़ित होने के बाद महिला अपने भाई और बच्चों को लेकर शिकायत करने महिला थाना पहुंची। ललमटिया ओपी पुलिस ने बीते रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर प्रमोद चौधरी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीते 25 अगस्त को ओपी पुलिस व एंटी लीकर टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर ओपी क्षेत्र के पासी टोला मोहल्ले में प्रमोद चौधरी व सुनील चौधरी के घर से 5-5 लीटर निर्मित देसी शराब बरामद की गई। वहीं पुलिस ने मौके से एक शराब कारोबारी सुनील चौधरी को भी धर दबोचा था, लेकिन प्रमोद चौधरी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने उक्त दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। मामले पर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना पर छापेमारी कर प्रमोद चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अवैध बालू खनन और परिवहन को लेकर खनन विभाग की कार्रवाई बालू माफिया और पासर को रास नहीं आ रही है। ऐसे ही कार्रवाई के दौरान बालू माफिया और पासर दोनों मिलकर खनन निरीक्षक अवधेश कुमार और उनके साथ चल रहे गार्ड पर हमला करते हुए उनके वाहन में तोड़फोड़ किया। मामले में खनन निरीक्षक और गार्ड जख्मी हो गए। घटना बाराहाट थाना के मिर्जापुर के आसपास की है। इस बाबत खनन निरीक्षक अवधेश कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान बाराहाट की ओर से रजौन की ओर जाने के दौरान मिर्जापुर के पास घटना होने की बात कही। यही नहीं, बताया जा रहा है कि इस दौरान मिर्जापुर रोड में अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर खड़े थे, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। फिलहाल जख्मी का इलाज जारी है।